नमस्ते गाइस, तो आज हम बात करेंगे एमसीयू के छोटे भाई एसएसयू की। एसएसयू सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स। तो सोनी का जो ये यूनिवर्स है, इसमें अभी तक 3 मूवीज आ चुकी है, वेनम, वेनम लेट देयर बी कार्नेज और मोरबियस। और अगर हम वेनम को छोड़ दें तो वेनम लेट देयर बी कार्नेज और मोरबियस फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, लेकिन क्रिटिकली तो ये तीनों मूवी पिट गई। और इसका दो सबसे बड़े कारण है कि एक तो ये कैरेक्टर उतने फेमस नहीं है और इनकी राइटिंग उतनी मजबूती से नहीं की गई। और इसी वजह से सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में जो नेक्स्ट दो मूवी आ रही है उन पे भी एक खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि वो कैरेक्टर भी इतने फेमस नहीं है। पहली मूवी होगी क्रेविन द हंटर और दूसरी मूवी होगी मैडम वेब। तो हाँ, अगर इन कैरेक्टर्स की राइटिंग मजबूत नहीं रही तो ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर पिट जाएगी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी सोनी के पास अपना हुक्म का इक्का है, वो है स्पाइडरमैन। भाई, सोनी ने नो वे होम मूवी बनाई है और हम सब जानते हैं कि वो मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है। लेकिन नो वे होम हिस्सा है एमसीयू का और हमने इसी मूवी में जाना कि अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करते हैं। और जो टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन है वो आगे कंटिन्यू करेगा एमसीयू में। लेकिन इसी मूवी के एंड में हमने देखा कि टोबी मैग्वायर और एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन अपने अपने यूनिवर्स में वापस पहुंच चुके हैं। तो बस सोनी इसी बात का फायदा उठा सकता है और हमें टोबी मैग्वायर या एंड्रू गारफील्ड में से कोई स्पाइडरमैन सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में डाल सकता है। तो भाई, इनके यूनिवर्स का नाम ही स्पाइडरमैन यूनिवर्स है, तो स्पाइडरमैन के इनके यूनिवर्स में होना तो मेक सेंस करता ही है। और स्पॉइलर अलर्ट, तो हमें मोरबियस के पोस्ट क्रेडिट सीन से पता है कि इनके यूनिवर्स में कोई स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है। और भाई, ये बेसिक भी था क्योंकि इस यूनिवर्स में हमें जितने भी मूवीज नजर आई है वो सारे स्पाइडरमैन विलन हैं। वेनम, मोरबियस, आने वाली मूवी क्रेविन द हंटर, ये सभी स्पाइडरमैन के सबसे बड़े विलन हैं। और इस यूनिवर्स में तो वल्चर भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर सोनी को अपनी इज्जत बचानी है तो इनको जल्दी एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन अपने यूनिवर्स में बता देना चाहिए, क्योंकि अगर नो वे होम के बाद अगर किसी का स्पाइडरमैन सबसे ज्यादा फेमस हुआ है तो वो एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन। एंस अभी पागलों की तरह एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को बड़े पर्दे पे देखना चाहते हैं और मैं ये चाहता हूँ कि सोनी ये अपॉर्चुनिटी ना चूके, क्योंकि अब सोनी के पास सिर्फ ये एक ही चारा है कि वो अपने यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा बिल्डअप दे। और हाँ, उसमें एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। तो भी मैग्वायर भी हो सकते हैं, लेकिन वो थोड़े से ओल्ड हो चुके हैं तो शायद ज्यादा समय तक वो इस यूनिवर्स में ना रहे। लेकिन एंड्रू गारफील्ड अभी एक यंग एक्टर है और वो ज्यादा टाइम तक इस यूनिवर्स में रहके स्पाइडरमैन का रोल प्ले कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन सोनी के यूनिवर्स को बचा सकता है या नहीं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप, मैं और हम सभी सुपर हीरो फैन हैं मार्वल मैन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और आपको मुझे कहीं और भी फॉलो करना है तो मैं यहाँ हूँ।